गए शुक्रवार को बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने पद्मा नदी पर बने 6.25 किलोमीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया। ये पुल राजधानी ढाका को पिछड़े हुए दक्षिण पश्चिमी इलाकों से जोड़ेगा। ये पुल एक चीनी कंपनी ने बांग्लादेशी इंजीनियरों की मदद से तैयार किया है। इसके लिए पैसा असल में विश्व बैंक ने देना था, मगर करप्शन के आरोपों की वजह से विश्व बैंक ने हाथ खींच लिया, तो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि बांग्लादेश अब अपने पैसे से ये पुल बनाएगा। और आज जब लाखों लोगों के लिए लाभदायक इस पुल पे रेल और रोड ट्रैफिक खोल दी गई है, तो इस मेगा प्रोजेक्ट को बांग्लादेश का कौमी गर्व बताया जा रहा है। मैं कामयाबी की ये दास्तान इसलिए सुना रहा हूँ कि मेरे बचपन तक बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। देश के पश्चिमी हिस्से में ये कहानी सुनाई जाती थी कि भूखे बंगालियों को सिवाय अपनी गरीबी पे रोने धोने के कोई काम नहीं और हम ही उन्हें पाल रहे हैं। बांग्लादेश की आज़ादी के कई वर्ष बाद तक पाकिस्तान में जनता को यही छवि दिखाई जाती रही, मगर आज हमारे सोशल मीडिया और चैनलों पे कोई ना कोई ये बात कर ही देता है कि बांग्लादेश 50 वर्ष में हमसे कितना आगे निकल गया और हम 75 वर्ष बाद भी एक के बाद दूसरी दलदल में फंसते जा रहे हैं। जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तब वहाँ की जनसंख्या 7.5 करोड़ और पश्चिमी पाकिस्तान की आबादी 4.25 करोड़ थी। आज बांग्लादेश की आबादी 15.5 करोड़ और पाकिस्तान की 22 करोड़ है। 20 वर्ष पहले एक पाकिस्तानी रुपए के 2.25 बांग्लादेशी टके मिलते थे, आज पाकिस्तानी रुपया 0.5 टके से भी कम के बराबर है। बांग्लादेशी खजाने में $38 बिलियन पड़े हुए हैं और हमारे मुद्रा भंडार में इस वक्त $9 बिलियन है। बांग्लादेश को वर्ल्ड बैंक ने नकारा तो उसने अपने पैसे से पद्मा पुल बना के दिखा दिया, और हम आज इस बात पे खुशी से फूले नहीं समा रहे कि IMF ने $1 बिलियन कर्जा देने के लिए गर्दन हिला दी है। ये खबर मिलने के बाद चीन ने भी लगभग $2.5 बिलियन का कर्जा दे दिया है और अब सऊदी अरब भी शायद $3 बिलियन पाकिस्तानी बैंकों में डिपॉजिट करवा दे और तेल भी उधार पे मिलता रहे, और जब ये सब हो जाए तो हम भी फख्र से कह सकें कि देखो हमारे मुद्रा भंडार में भी अब लगभग $15 बिलियन आ गए हैं। मगर इस उधारी गर्व के लिए आम व्यक्ति को भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। तेल की कीमतों में मुसलसल बढ़ोतरी और डॉलर के सामने रुपए की गिरती हुई साख ने महंगाई का तूफान पैदा कर दिया है। इस वक्त जिसकी पगार 50,000 है, वो भी पेट्रोल की कीमत दुगनी होने के बाद अपनी मोटरसाइकिल को किक लगाने से पहले 2 बार सोचता है कि जाऊं या फिर बस में लटक जाऊं। अंदाज़ा कीजिए कि जिसकी पगार 20,000 या उससे भी कम है और उसे कम से कम 4 लोग पालने हैं, वो किस विडंबना से गुजर रहा होगा। इस आर्थिक स्थिति की वजह से अब पहली बार ये सवाल खुलेआम पूछा जाने लगा है कि आखिर इस देश का मालिक कौन है। सेना, नौकरशाही, न्यायतंत्र और प्रोफेशनल नेताओं का गठजोड़, या फिर 22 में से बाकी 21 करोड़ 50 लाख लोग। अगर 21 करोड़ 50 लाख लोग ही असल मालिक हैं तो फिर पार्लियामेंट में 90% से ज़्यादा प्रतिनिधि कॉलिन वर्क के क्यों हैं, और यही 21 करोड़ हर बार उन्हें ही क्यों चुनते हैं। अपने में से किसी मजदूर, किसान, क्लर्क, दुकानदार या सिपाही को पार्लियामेंट में क्यों नहीं भेजते। मगर सिस्टम कुछ ऐसा मुश्किल और महंगा बना दिया गया है कि चुनाव की दौड़ में आम आदमी एक दिन भी नहीं टिक सकता, और यूं हर बार चुनाव का अपहरण हो जाता है, और जो ताकतवर लोग ये चुनाव जीत भी जाते हैं वो अपने से ऊपर वाले मजबूतों और माफियाओं की सहूलतें देने वाले कानून बनाते हैं। यानी पार्लियामेंट उन लोगों के लिए कानून बनाती है जो पार्लियामेंट में शायद कभी नहीं आ सकेंगे। पर क्या करें, अगर ये सब खुल्लम खुल्ला कहा जाए तो कहीं ना कहीं से आवाज़ आ जाती है, देखो ये है लोकतंत्र का दुश्मन बिकाऊ पत्रकार। लोकतंत्र के गधे पे लगातार सवारी कौन कर रहा है। इसे छोड़ दो, बाकी हर विषय पे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है।